इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ दैट दे आर जस्ट नियर टू द बैंक सो पेटीएम के बारे में हम जानेंगे एक सिंपलियस्ट केस स्टडी के हिसाब से कि व्हाट हैज हैपन टू पेटीएम और इसको शुरू करने से पहले लेट अस नो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रॉब्लम विच हैज़ सो इन टू आर के गवर्नर ने इंट्रोड्यूस किया स्मॉल बैंक्स और पे बैंक्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्मॉल बैंक्स और पे बैंक्स इसको अगर डीप में जाऊंगा दैट वुड बी अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट वीडियो बट थोड़ा सा हम थोड़ा सा कंटेक्स जानते हैं इसमें तो अगर मैं बात करूँ आपके पास बहुत सारे बैंक है जैसे आपके पास है अगर आप घर के बाहर जाए तो आपको बहुत सारे बैंक दिखेंगे जैसे आपके पास पी हो गया सेकेंड हाँ आपके पास पी हो गया आपके पास एस हो गया आपके पास आई हो गया बहुत सारे बैंक अब ये जो कमर्शियल पेटीएम बैंक दे ऑल्सो एक्ट लाइक दिस कमर्शियल बैंक बट इनका जो वर्च्यू है या जो इनका एडवेंट है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक इफ आई टॉक अपंक्स की अगर बात करें दे actually have the same uh, you know introspection or the synchronization as which is same as different uh, commercial banks like pnb and sbi however jo paytm banks hai payment banks hai unka jo advent hai wo kafi different hai तो उसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ये आए क्यों अगर ये सिमिलर है एज पी एन बी एस बी और आई सी आई सी आई जो ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं इतने बड़े ब्रांचेज हैं तो इनका स्मॉल बैंक्स और पेटीएम बैंक्स को लाने का जो मोटिव है वो क्या है तो देखो कमर्शियल बैंक्स क्या है कमर्शियल बैंक्स वर्क इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम यू कैन से ओके जैसे ही मोदी जी की सरकार आई दो हजार चौदह में कहीं ना कहीं काफ़ी नीट थी टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन वाई फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकॉज ये एक uh, देखा गया था बात कि हमारी कंट्री में रेड टेपिज्म बहुत है अगर गवर्नमेंट एक स्कीम निकाल रही है मिडल मैनस इतने हैं कि आप uh, जो सरकार जो स्कीम्स निकालती है उसका जो फंड्स होता है या उसका जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिशरी पे ना जाने के uh, बजाय वो मिडल मैनस में ही सिमट के रह जाता है वाई

जो सब्सिडी का पैसा था फार्मर्स का या जितना भी स्कीम रिलेटेड पैसा था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट uh, बेनिफिशरी के अकाउंट में डालना शुरू किया तो ये जो सब कुछ सीधे थी नॉट जस्ट जन धन अकाउंट बट टू हैव अ होलिस्टिक फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक बड़ा सा पूल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिसमें जनधन अकाउंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट एंड सो इज स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स आर देयर टू इंक्रीज डी फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री और जितना हो सके लोगों को फाइनेंशियली जागरूक कराना वॉज द एम ऑफ इट सो स्मॉल बैंक आर सम वट लाइक पी एन बी एस बी एन आई सी आई सी ओनली हाव एवर दे हैव सम लिमिटेशंस ऑफ यू नो इन गेटिंग द कैपिटल और प्लोइंग द कैपिटल और अकाउंट से रिलेटेड लिमिटेशंस कुछ हैं हाउ एवर पेमेंट्स बैंक यू कैन से इज अ गुड डिफरेंशिएशन स्मॉल बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड पे लोन सो मैं आपको हल्का सा बताता हूँ कि बैंक हाउ बैंक वर्क सो बैंक टेक्स अ डिपॉजिट यूज द डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ लोन और जितना उस बीच का पैसा बनता है इट्स ए प्रॉफिट लाइक इफ आई गिव वन लाख रुपीज टू द बैंक एंड इफ़ आई एम गेटिंग फोर परसेंट एज आ इंटरेस्ट फॉर द माई डिपॉजिट और उसी वन लाख को आगे लोन दे रही है वैसे वन लाख पूरा नहीं देती कुछ uh, स्ट्रिचटरी रिजर्व होते सी आर आर और एस एल आर विच इज़ अगेन द टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो वो रख के चलो अभी हम ये मानते हैं कि वन लाख रुपीज लो, लोन ही दे दिया एंड दे आर अर्निंग एट परसेंट ऑन इट सो फोर परसेंट मुझे दे रहे एट परसेंट वहाँ से कमा रहे तो फोर परसेंट इन बिटवीन इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक दिस इज़ एट तो यहाँ पे सवाल आता है कि जो स्मॉल बैंक द सेम बट पेटीएम लाइक पेमेंट्स बैंक लाइक और रिलायंस का भी आई थिंक देर इज अ पेमेंट्स बैंक ए यू पेमेंट बैंक अच्छा दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक सो पेमेंट्स बैंक का डिफ्रेंशिएशन इसलिए है कि स्मॉल बैंक्स तो चलो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और लोन भी दे देते हैं बट पेमेंट्स बैंक कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट डेट वो भी दो लाख तक की लिमिट होती है और लोन वो नहीं दे सकते हाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने लोन दिया था बट दैट इज द विद द हेल्प ऑफ इंडस इंड बैंक सो पेमेंट्स बैंक के थ्रू नहीं दे सकते वो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम जो आर बी आई ने पुटअप की थी वी विल सी इट सो दो में इसको लॉन्च किया गया 2016 में पे uh, पे आर बी ने ली एक बेट होता क्या है कि पेटीएम इतना बड़ा हो गया था शुरुआती क्योंकि उन्होंने उनके पास टाइम का बहुत लेवरेज था वो इतना बड़ा हो गया था पेटीएम कि दे लिसन टू नन उनके लिए जितने भी कंप्लाइंस uh, थे या जितने भी ये बॉडीज़ uh, है लाइक like आर उनके लिए ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा एंड वर नेवर कम्फर्टेबल विद दी प्रोविजन विच आर सेट जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की हम बात करें या पेमेंट्स बैंक की बात करिए तो उनके पास प्रोविजन होते थे कि दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ टू लैक्स और ऐसी बहुत सारे लिमिटेशंस uh, थी तो पे टी एम ऑज नेवर हैप्पी और नैवर कंफर्टेबल विद रेगुलेशंस बट आर बी आई गवर्नर ने अपना स्टेप को फॉरवर्ड लेने की जगह एक बैक लिया टू हैव अ बैट ऑन पे एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज द एडवेंट ऑफ द प्रॉब्लम तो अगर मैं दो हजार सोलह में देखा दरबीआई गवर्नर टू का बेट ऑन पेटीएम नाउ पेटीएम पेमेंट बैंक वॉज स्टार्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंट विच गेव दम एज अ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ओवर फोन पे और और एनी अदर यू पी आई वाई लेट मी गिव यू अ स्टोरी एग्जाम्पल ऑफ इट सो यू नो दैट यू हैव जी पे

ओके बट दिस वन थाउजेंड रुपीज हैज़ अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ओके दिस ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज चार्ज बाय द बैंक अब एक बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो ट्रांजेक्शन कास्ट है कितना भी हो ये ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट जितना भी हो हु इज बियरिंग इट वी आर नॉट बियरिंग इट आप हजार रुपये देते हो तो हज़ार रुपये ही कट्टा आपके अकाउंट से दिस इज बीन ब्रॉन बाय दिस कंपनी इज वाई इट इज बीन ब्रॉन बाय क्योंकि कॉम्पिटिशन है अगर जी पे मान लो ये जो ट्रांजेक्शन uh, कॉस्ट uh, है ये अपने कस्टमर से चार्ज करने लग जाए कस्टमर विल गो टू फ़ोन पे बिकॉज फोन पे डज नॉट चार्ज एनी थिंग सो शुरुआत में इतने सारे प्लेयर्स आ गए कि बैंकिंग कॉस्ट वॉज वन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ सच कंपनीज लाइक गूगल पे और फोन पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक या पेटीएम ने कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि वी हैव टू सेव दिस बैंकिंग कॉस्ट ऑन ट्रांजेक्शन दैट इज वाई दे ओपन पेटीएम बाय भाई देखो मान लो आपका आपके पास एक बैंक आ गया ठीक है ना जो आपका पी एन बी आई सी आई सी है उसको आपने एज एन ऑल्टर उसको हटा दिया आपने और अपने एक बैंक ले आए अब लोग आप उनको बोल रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो अपना पैसा डिपोजिट यहाँ करो इट्स लाइक अ बैंक ओनली लोग डिपॉजिट वहाँ पे डाल रहे हैं अब वही डिपॉजिट को दे आर यूजिंग टू पे

466 मिलियन डॉलर्स टू बिल्ड 10K टच पॉइंट्स व्हाट इज दिस टच पॉइंट्स टच पॉइंट्स आर नथिंग टू बट जितने ज़्यादा हो सके उतने कस्टमर तक पहुँचा जाए वो कैसे पहुँचा जाएगा इन्होंने किराना शॉप्स को टारगेट किया उनके अकाउंट्स खुलवाए किराना शॉप्स पे केवाईसी करवाने करवानी शुरू कर दी अपना लिंक करो पे अकाउंट्स और सॉरी अपना आधार कार्ड को लिंक करो अकाउंट के साथ यू कैन ओपन योर पे पेमेंट बैंक अकाउंट इतना इजी प्रोसेस कर दिया हर जगह आ, पे टी से इनके टच पॉइंट्स जो थे हर किराना शॉप्स पे थे इनके ई e के वाई सी पॉइंट्स हर जगह थे डजेंट मैटर वट नेचर ऑफ द बिजनेस आर इन विच यू आर इन यू नो इन्वॉल्व्ड इन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इनको था कि जितना एक्सपेंशन हो सके उतना एक्सपेंशन ये करेंगे बट स्टोरी चेंज हुई इट वॉज अ डॉन एंड rbi had a new governor in 2018 that is shakti Das, and he is one of the proactive uh, uh, governor you can say you don't make annual inspection and they have found that account were open without kyc yeah and see what is the kyc let me tell you first kyc is nothing but know your customer if you are opening a bank account you need some identification documents like Aadhaar card, PEN card etc just to know that person who is opening a bank account is legit so but in order to be into the race of expansion this Paytm did something which is very wrong is to open accounts without KYC Paytm Payments Bank as I told you

दो में इस एनुअल इंस्पेक्शन के एज अ कंक्लूजन शक्ति शक्तिकांता दास ने ये कंक्लूड किया और आर ने ये उन्होंने बोला पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि स्टॉप ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स दिस इज इट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स बट पेटीएम नहीं माना एंड पे को मल्टीपल टाइम्स आर ने वॉर्न किया बिटवीन द पीरियड ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी टू बट हाउ पे टी एम रिस्पॉन्डेड खट्टी खाई है। हुई कंपनी की जनरेट मोर कैपिटल टू फुलफिल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगेन इज द टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वेन यू आर इंट्रोड्यूस टू दब्लिक मार्केट आपके सर पर पहले एक तलवार थी अब दो तलवार हो गई है पहले एक तलवार थी आरबीआई की अब आपके पास दो तलवार आ गई है दैट इज सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो आप जब आप पब्लिक होते हो डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्ट इंट यंपनी एंड यू आर आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल और स्टेक होल्डर्स अब जब आप आंसरेबल होते हो यू आर आंसरेबल टू their इन्वेस्टमेंट कि आप क्या रिटर्न दे रहे हो उनको अगेंस्ट विच यू आर वर्किंग ड्यू टू विच profitability जो इन ऐसी कंपनियों की एक वीकनेस रहती है उनका ही प्रेशर बनने लगा ग्रोथ का प्रेशर बनने लगा बिकॉज अगर आप प्रॉफिट नहीं होंगे पीपल विल सेल शेयर शेयर राइट और आपके शेयर की वैल्यू कम होगी आपकी मार्केट कैप कम होगी आपकी वैल्यूशन कम होगी आपकी नेट वर्थ कम होगी जो कि आपकी डायरेक्टली ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा इट इज़ नॉट ईजी टू लिस्ट योर कंपनी और आप बस डायरेक्टली अपना जैसे आप काम अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करो बट जो प्रैक्टिस लाइक ओपनिंग ऑफ द अकाउंट विदआउट के वाई सी एंड वाट नाट द बैलेंस इज एक्सीडिंग मोर देन टू लैक्स बट द प्रोजन डिफरेंट सो उनके तो ये अगेंस्ट था और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं था जिसकी वजह से आर बी आई अगेन कंटिन्यू ऑडिट एंड उन्होंने एक दो हजार तेईस में जो ऑडिट किया इस बार तो जो पानी था वो सबसे ऊपर चला गया था डेट इज मोर देन थाउजेंड अकाउंट लिंक टू वन पैन एक पैन अकाउंट से थाउजेंड अकाउंट लिंक थे आर बी आई ने साफ बोला

बट निर्मला सीतारमन सेठ सीधा साफ साफ कि आई कैनॉट हेल्प एंड यू हैव टू सॉ दिस थिंग विद दर बी आई नाउ ड्यू टू विच ये न्यूज मार्केट में फैली एंड याइज इज डाउन एज मच एज फोर हंड्रेड रुपीज नॉट जस्ट दैट ये तो पीपीटी बाद में पहले बनी थी बट इफ यू सी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ के प्राइस रुपीज पे ये लॉन्च हुआ था पे टी एम का एक शेयर टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ पर यह आई पी ओ का प्राइस था बट लिस्टिंग वॉज एट वेरी लो दैट इज अराउंडिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ ऊपर गया बट इट फेल नाउ इट फेल सो मच दैट इट इज एट फोर हंड्रेड रुपीज़ अगर आज का ट्रेंड देखे दैट इट इज़ बीन ट्रेडेड टू थ्री ट्वेंटी रुपीज़ ना यू नो द एक्सटेंट ऑफ दिस पे टी एम इनकी ओडेसिटी क्या है सपने दिखा दिए रिटेल इन्वेस्टर्स को और अपने दूसरे इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को बट इन रियलिटी देयर स्टॉक्स हैव फॉल टू द ऑल टाइम हाई कि पे टी एम को अपने शेयर्स बाय बैक करने पड़ गए पर स्टॉक का फॉल होना इतना बड़ा इशू नहीं था ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर का फॉलो ना इज समथिंग विच लेट टू पेटीएम डाउन बट आगे एंड एच डी एफ सी बैंक इज ऑल्सो टॉकिंग टू पेटीएम बट टू हैव एनी वे आउट बट उनकी इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग है और इतने बोलते हैं ना कि इतने कीचड़ में आ चुके हैं वो जस्ट टू हैव एन अग्रेसिव प्ले अराउंड कि इट इज वेरी हार्ड टू गेट देम बैक Paytm fast tags are going to i think that they are not going to work anymore after february 29 i guess that they got a bailout till march 15 but let's see what is going to happen to the Paytm and this rumors or the news is spreading like wildfire Now, what should you do? You should stay away from catching a falling knife. This was the conclusion of the PTM story. That is it. Thank you so much for watching this video. This is me, Vishwanath, signing off, and we'll see you after in a new video.